तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे गेस द बेवरेज कैरेक्टर्स विद वॉइस के पार्ट 3 के बारे में। जी हाँ गाइस, आपको याद होगा कि मैंने एक वॉइस वाली सीरीज स्टार्ट की थी, और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा, यानी कि वो पार्ट देखना चाहिए। और पार्ट 1 बहुत आसान था, पर पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल था। और ठीक उसी तरह पार्ट 3 यानी कि ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। और मुझे बताया कि ये वाली पार्ट काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, पर फिर भी यार रूल्स तो आपको बताऊंगा। मैं आपको 15 सेकंड तक बेवरेज कैरेक्टर्स की वॉइस सुनाएंगी, और उन्हीं 15 सेकंड के बेसिस पर आपको इसकी वॉइस गेस करनी है। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 की पहली वॉइस ये रही, आप लोगों को इसे गेस करना है। मैं नहीं डरता, लेकिन कहीं तुम्हारी हालत तो नहीं खराब हो रही है? ये सोच सोच कर कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं कर्ट जितना पावरफुल नहीं हूं, इसीलिए मुझे कैसे भी करके मैच में टिके रहना होगा। वॉल्ट को सेमीफाइनल्स में पहुंचाना है, इसे जीतने नहीं दे सकता। तो ये जो कैरेक्टर था वो बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर था, और ये था क्रूजर एकरमान। क्रूजर एकरमान बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन में से आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो इसे गेस किया होगा। अब आपको सेकंड वॉइस गेस करनी है। और हाँ, ये जो कैरेक्टर होने वाला है ये बेवरेज ओरिजिन सीरीज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बिना वो सीरीज नहीं बन पाती। तो इसे गेस करने की कोशिश करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं बेगा के लिए मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। मेरी कुछ तो इज्जत करो, वापस आओ। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो हीरो, ये नामुमकिन है। तो हाँ यार, वॉइस से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये था वॉरिस। जी हाँ, बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का विलन वॉरिस, और वैसे भी मैंने हिंट भी दे दिया था, तो आप लोगों ने इसे गेस कर लिया होगा। अब चलो बढ़ते हैं वॉइस नंबर 3 की ओर। या शायद तुम्हें भागते हुए सितारे कहना ज्यादा बेहतर होगा। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी नई टेक्निक में तुम एक जगह खड़े नहीं रह पाते। ये देखो, बाजी एक चुटकी में पलट सकती है, पलक झपकने से पहले ही बैटल में कुछ भी हो सकता है। मैंने सही कहा ना? अब वॉइस नंबर 3 को वही लोग गेस कर सकते हैं जो कि बेब्लेड बर्स्ट सीजन 1 देख चुके हैं, क्योंकि ये था जैक द सनराइज फ्रॉम बेब्लेड बर्स्ट। तो होप कि आप लोगों ने इसे गेस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वॉइस नंबर 4 को गेस करने की कोशिश कर दो। तुम्हारे पास मेरे बाकी अपोनेंट से ज्यादा स्किल्स हैं, यहाँ तक आने के लिए तुम्हें क्रेडिट देना ही पड़ेगा, लेकिन ये मैच भी वैसे ही खत्म होगा जैसे कि पिछला हुआ था। मुझे पता है तुम मुझसे हारने से कितना डरते हो, मुझे यहाँ तक बू आ रही है। खेल खत्म, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। तो ये वाली वॉइस भी बेब्लेड बर्स्ट के फैंस के लिए था, क्योंकि ये था लुई शिरोसाकी फ्रॉम बेब्लेड बर्स्ट, और ये 2 सीरीज में इसकी डब हो चुकी है। तो आप लोगों ने इवोल्यूशन और सीरीज 1 जिन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने इसे गेस कर लिया होगा। तो हाँ यार, अब आपकी बारी होगी वॉइस नंबर 5 को गेस करनी होगी, तो इसे गेस करो। मेरे लिए ये सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मैं तुमसे मिला था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे तुम्हारी ताकत पसंद थी और मैं तुम जैसा बनना चाहता था। और मैं रायुगा के साथ अपने मुश्किल सफर में बच पाया क्योंकि मैं तुम्हारे काम आना चाहता था। और मुझे बताया कि ये वाली बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि ये CN के रूप में था, और ये था बेब्लेड मॉडल सीरीज में से केंटा। जी हाँ गाइस, ये केंटा था बेब्लेड मॉडल सीरीज में से। तो बहुत ही कम लोगों ने इसे गेस किया होगा, पर जो भी हो वॉइस नंबर 6 को गेस करने की कोशिश करो। और हाँ, ये काफी अजीब सी वॉइस होने वाली है। हमें माफ कर दो, हमने जानबूझकर नहीं किया। क्या बात है, सब हमारी ओर देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, हम और टाइसन ये कॉम्पिटिशन चुटके में जीत जाएंगे। हमें अब कैनी को टाइसन का ब्लेड जांचने के लिए समय देना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों ने इस वाली वॉइस को गेस किया, क्योंकि ये बेब्लेड रिवॉल्यूशन सीरीज का एक मेन कैरेक्टर जैसा ही है। और ये कौन है, तो ये है डाइशे सुमरांगी, और वो कौन सी सीरीज में, ये मैं पहले भी बता चुका, वो ओरिजिनल सीरीज का एक कैरेक्टर है। और अगर आप लोगों ने इसे गेस नहीं किया तो ये नहीं आप लोगों की अगली वॉइस, और हाँ ये भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है आप लोग के लिए। अगर हमने उसे अभी इसी वक्त नहीं हराया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और हमें आपकी बातों पर भरोसा है, हमें यकीन है कि वो दिन आएगा जब दुनिया के लोग फिर से मुस्कुराएंगे और बेब्लेड के जरिए एकजुट होंगे। बिल्कुल सही। तो जिन लोगों ने बेब्लेड मटन सीरीज देखा है, वो भी हिंदी में, सिर्फ वही लोग इसका आंसर दे सकते हैं। और ये था सुबासा ओटोरी फ्रॉम बेब्लेड मटन सीरीज, और इसे भी बहुत ही कम लोगों ने ही गेस किया होगा, पर अगर गेस किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो वॉइस नंबर 8 को गेस करो। अगर आप इसको गेस नहीं कर सकते तो सच्ची में आप बेब्लेड वर्स्ट
सीरीज के फैन नहीं हो। अगर आप एक बेब्लेड वर्स के रियल फैन हो तो इससे आप तो जरूर आसानी से गेस कर लोगे। इसी पल का इंतजार था, इसमें तो बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, चलो शुरू करें। तुम सब यहाँ? ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन जानता था मैं ही जीतूंगा। नहीं, टेस्ट के अलावा कुछ भी। तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो हाँ यार, बेब्लेड वर्स के फैंस ने कर से गेस किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप बिग बेब्लेड वर्स के फैन नहीं हो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये था वर्ल्ड अवी फ्रॉम बेब्लेड वर्स और ये बेब्लेड वर्स की सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और वॉइस नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो वॉइस नंबर 9 है वो भी काफी कमाल की वॉइस है, तो इसे आपको जरूर गेस करना ही है। शायद तुम मुझे धोखेबाज समझ रहे हो टाइसन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं ब्रुकलिन जैसे अनोखे खिलाड़ी से मिल पाऊँ। लेकिन तुमने मुझे खुश कर दिया, तुम बहुत अच्छे से खेले और जो कुछ भी तुमने अपने बड़े भाई से सीखा उसका तुमने इस्तेमाल किया। इसी को कहते हैं असली चैंपियन, मुझे तुम पर नाज है। तो ये भी आप लोगों में से कुछ ही लोग ने गेस किया होगा, पर ओरिजिनल सीरीज के फैंस ने इसे गेस किया होगा क्योंकि ये था हीरो ग्रेंजर फ्रॉम बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज। जी हाँ, टाइसन का बड़ा भाई हीरो ग्रेंजर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसे गेस किया होगा, अगर इस वाली वॉइस को गेस नहीं किया तो आपको वॉइस नंबर 10 को गेस करना है और इसे भी बहुत ही कम लोग ही गेस कर पाएंगे। जब नेमेसिस ने हमारे बेस में से स्टाफ फ्रैगमेंट का पावर चुरा लिया था तो ना जाने कैसे उसने पूरी दुनिया भर के ब्लेडर के सारे बेस का पावर हासिल कर लिया था। सिर्फ मिस्टर जिंगा और बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स ऑफ द फोर सीजन की वजह से आखिर में ज़ेउस का बैरियर पूरा हो गया। तो ये भी वॉइस नंबर 10 को भी बहुत ही कम लोग ने गेस किया होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि ये था बेब्लेड मॉडल सीरीज में से यूकी। यूकी बेब्लेड मॉडल सीरीज के एक लेजेंडरी ब्लेडर है, यानी कि सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर। तो जिन लोगों ने गेस किया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो वॉइस नंबर 11 को भी गेस करो, वो भी एक लेजेंडरी ब्लेडर ही है। पता है जब मैं तुमसे पहली बार टकराया तब मैंने हार की शर्मिंदगी महसूस की थी। अगर सच कहूँ तो तुम हमेशा हमारे हीरो रहे हो जिंगा, इसलिए हम तुम्हें देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वैसे भी मैं दुनिया को बचाने के लिए लड़ नहीं रहा था। ओके? तो ये भी बेब्लेड मॉडल सीरीज में ही था, ये था कियोया टेटेगामी। तो कियोया मॉडल सीरीज के तीनों सीजन में है, तो आप लोगों ने इसे गेस कर ही लिया होगा। अगर आप लोगों ने कियोया की वॉइस गेस नहीं की है तो वॉइस नंबर 12 यानी कि इस सीरीज का आखिरी वॉइस आपको गेस करना है। और हाँ यार, ये काफी कमाल की वॉइस है, अगर आप इसे गेस नहीं कर सकते तो सच में किसी को भी गेस नहीं कर सकते। ये इस वॉइस वाली सीरीज का लास्ट वॉइस है, तो इसे गेस करो। तुम्हारे पास जो शक्ति है वो काली शक्ति है और मैं उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। याद रखना, मैं हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं, जब तक तुम्हें हरा नहीं देता। मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हारी काली शक्ति पर बात। तो हाँ, जहाँ तक ओरिजिनल सीरीज के फैंस की बात आती है, हो ही नहीं सकता कि इसे किसी ने गेस ना किया हो। ये था काही पटारी फ्रॉम बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज। तो यही पर वॉइस वाली सीरीज का एंड हो जाता है, यानी कि तीनों पार्ट सब खत्म हो चुके हैं। अब इसके आगे फ्यूचर में कोई पार्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक बेब्लेड बस्टर को डब नहीं हो जाता तब तक बाकी पार्ट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फ्यूचर में कोई पार्ट आए ना आए, तब तक के लिए आपको इन तीनों पार्ट्स को जरूर देखना चाहिए। तो हम लोगों ने देख ही लिया है, अब आपको बाकी दोनों पार्ट्स देखना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में या तो चैनल पे मिल जाएगी, आप कहीं से भी इसे देख सकते हो। वो आप कितनी बेब्लेड कैरेक्टर्स की वॉइस गेस कर पाए हो ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि हमें पता चले कि आपने कितने बेब्लेड को गेस किया है। तो हाँ यार, बस आज के लिए इतना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का शेयर करना और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।